हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एंड वी आर गोइंग टू पिक अप द क्वेश्चंस इन द सेम वे लाइक द वे वी हैव टेकन अप इन आवर प्रीवियस डिस्कशन। आइडिया है, गोल है कि क्वेश्चन के एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग दोज आइडियाज विच आर गोइंग टू हेल्प अस। जैसे कि स्टूडेंट्स का भी कहना होता है कि भाई हम ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन का नियम ही यही है, मरने से पहले तक हो सके तो ट्रैक पे आ जाओ, पता नहीं दोबारा जन्म मिलेगा या नहीं, वी डोंट नो। सो इसीलिए कोशिश करते रहिए। कोशिश करना हर इंसान का एक फर्ज है, उसके बाकी तो भागी। जैसे कहते हैं कि यू नो मैन प्रपोजेस एंड इट इज द गॉड विच इज गोइंग टू मेक श्योर दैट व्हाट यू डू उसका रास्ता क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन कल्चर एज इट हैज इन्फ्लुएंस देम। तो ठीक है, एक स्टेटमेंट है ये। ये स्टेटमेंट बड़ा आइडियलिस्टिक है, ये स्टेटमेंट इंपेरेटिव है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप इसको वैसे ही बोलें कि एज मच इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन कल्चर एज इट हैज, क्योंकि डिस्कस करना है, ज्यादा क्रिटिकल हो नहीं सकते। वरना ऐसा है नहीं कि जितना इन्फ्लुएंस किया है उतना ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको बड़े अच्छे से लेके चल सकते हैं कि पहली बात, पहले पैराग्राफ में तो इंडिया की ओपननेस के बारे में आना चाहिए, इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया का ओपननेस, इंडिया का एबिलिटी कि वो अपने आइडियाज को समझते हुए दूसरे आइडियाज को भी स्पेस देता है। बस पहले पैराग्राफ में इतना ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि लिखा भी गया है, इम्प्रोवाइज अडाप्ट न्यू चेंजेस ड्यू टू प्लूरिस्टिक एंड एक्सेप्ट दिस इज वंडरफुल स्टार्ट। इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस बाई फॉरन कल्चर एंड वाइस वर्सा। चलो आगे चलो, एंशियंट इंडिया, ग्रीक इंडिया, गंधर्वस, गांधारा स्कूल, इंडिया ग्रीक, होरा शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी जीरो, बिल्कुल सही बात है। इन मेडिकल में तुर्किक आ गया, इंडिया तुर्किक लेड टू उर्दू लैंग्वेज। तो उसकी जगह आप उसकी जगह लिख सकते थे कि ये सारे एलिमेंट जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, उसकी जगह पहले आप लिखते दो लाइनों में कि कैसे इंडिया का जो मेन स्ट्रीम लाइफ है वो इतना सोशियो इकोनॉमिक और इतना उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉड था कि उसने जो है आर्ट आर्किटेक्चर से लेकर कल्चर से लेकर लाइफ साइंसेस से लेकर लिटरेचर से लेकर हर जगह अपने आप को नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन को उसने हमेशा आगे बढ़ाया। जैसा कि टैक्सिला यूनिवर्सिटी, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और फूड कल्चर की आप बात भी करते, जैसे उर्दू लैंग्वेज हो गया या मुगलई फूड है, या फिर आप इवन तंदूर जिसकी बात करते वो भी फूड कल्चर हमारा आया था, स्पाइसिस का एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद नाटक से लेकर सब जगह ये एलिमेंट हमें दिखाई देता है। बहुत अच्छा। इन मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश टू इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट। अब ये इतनी बड़ी बात को, जैसे पहले आपने लिटरेचर कल्चर ये सारी बात की, यहाँ आपने छठ से मॉडर्न नेशन स्टेट का ठप्पा भी आपने जो है अंग्रेजों को दे दिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मॉडर्न नेशन स्टेट हम अभी भी वो नहीं है जैसा यूरोप है। यूरोपियन मॉडर्न नेशन स्टेट का एग्जैक्ट एग्जाम्पल हम नहीं है, हमने वो सारे आइडियाज नहीं लिए, वो हमारे वो वैल्यूज नहीं है। हमने मॉडर्न नेशन स्टेट का फंडामेंटल वैल्यू लिया है जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, कॉमननेस ऑफ पीपल, जो आइडियाज हैं, जो इंस्पिरेशन कॉमन सबकी है, कॉमन इंस्पिरेशन जो देश की होती है, कॉमन एक डिजायर होती है, वो नेशन स्टेट में निकल के आई। तो ये हो सकता है आप लिख सकते थे, सभा समिति पंचायती राज आप बोल सकते थे। इंडियन सेक्युलरिज्म, देयरफॉर इंडियन वे इज मोर ब्रॉड एंड डाइवर्स इन एक्सेप्टेड प्रिमिसिस इन यूनाइटिंग ह्यूमनिज्म एज अ होल। करंट वैल्यूज व्हिच हैव बीन एडॉप्टेड फॉरेन कल्चर आर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, मल्टीलेटरलिज्म, योगा, वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, होमोजेनिटी। और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो कहाँ जाएगा? इंडिया का जो मल्टी कल्चरल जो आपने लिखा, उसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहिए था कि कैसे अलग अलग जबान, कैसे अलग अलग सोच, कैसे अलग अलग तरह का जीवन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का जो सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ है वो वर्ल्ड सीख रहा है ना इंडिया से। हमारे यहाँ तो एंशियंट टाइम में भी कॉटन की बात होती थी ना, कॉटन, कॉटन तो बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन हो गया, या फिर आप बात करिए पत्तों से जो खाना, पत्तों के जो आपका धोना है, या कुछ भी एक एग्जाम्पल आप लेके कर सकते थे, या हल्दी का दूध ही है, मतलब कोई भी अलग अलग एरिया से एक एक ले सकते थे आप। अदरवाइज गुड एफर्ट, अराउंड 4.5 से 5 का स्कोर आने के इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं। इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट। हाउ फार डू यू एग्री डेट एक्सेप्टिंग नेशन स्टेट्स और रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी कैन हेल्प एड इन द फाइट अगेंस्ट रिलीजियस फैनेटिज्म एंड फंडामेंटलिज्म? अब नेशन स्टेट का क्या वाकई रिलीजियस फैनेटिसिज्म और उसके बाद फंडामेंटलिज्म से लेना देना है? पहले ये सोचने वाली बात है। आपको पहले इसमें की वर्ड पकड़ना चाहिए था, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या फैनेटिसिज्म है वो अपने आप में एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो चाहे नेशन स्टेट हो, ट्रेडिशनल सोसाइटी हो, दोनों को ही वो चकनाचूर कर देगा। इसीलिए नेशन स्टेट, जैसा आपने लिखा भी है कि ऑर्गेनाइज पॉलिटी है, ऑर्गेनाइज मिलिट्री है, वो उससे फाइट करने में हेल्प करता है, लेकिन नेशन स्टेट का स्ट्रक्चर यदि डेमोक्रेटिक है और उसका स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव है तो वो स्ट्रक्चर हमेशा डाइवर्स और सेकुलर आइडियाज को प्रमोट करेगा, इसीलिए फंडामेंटलिज्म और जो फेनेटिसिज्म है उससे फाइट भी करेगा। यूएन हैज नो डेडिकेटेड मिलिट्री फोर्स राइट नाउ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। आप कह सकते हैं इसमें ये लाइन कोई मतलब ये यूएन वाली जो बात है ये मतलब यहाँ पे मतलब फिट नहीं हुई, समझ नहीं आया कि अचानक से क्यों आ गया।
एनीवेज मॉडर्न वैल्यूज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छा है, रिप्रेजेंट पीपल दिस इज वंडरफुल, इंडियाज सक्सेस अगेंस्ट पंजाब सेपरेटिज्म नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एंड माओइज्म, बिल्कुल एट द सेम टाइम इट हैज सम लिमिटेशन देयरफॉर द सॉल्यूशन इज बियॉन्ड लाइज इन बियॉन्ड नेशन स्टेट. अच्छा, फेलियर ऑफ अफगानिस्तान स्टेट अगेंस्ट ट्राइबलिज्म अंडर तालिबान शो केस वनरेबिलिटी ऑफ ए नेशन स्टेट. तो यानी तालिबान कभी नेशन स्टेट बन भी नहीं सकता था क्योंकि उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. एक तरफ रशिया, एक तरफ यूएस, एक तरफ कॉलोनियलिज्म, सबने उसको यू नो दे ऑल हैव ट्राइड टू स्क्वीज इट्स एसेंस. तो अफगानिस्तान हैज नॉट एबल टू बिकम नेशन स्टेट, आई शुड से लिविंग नेशन स्टेट बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस. तो सोल्यूशन बियॉन्ड है, तो सोल्यूशन आपने बताने की बात की फेडरलिज्म, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, थोड़ा और ऊपर आता चलिए, ऊपर चलिए, अल्टरनेट इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, बहुत एलिमेंट्स आए हैं इस आंसर में, अमेजिंग है, बहुत सारे आइडियाज आए हैं, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, लेकिन शांति सी नहीं आई, मतलब बहुत सारी चीजें आ गई. तो अब एग्जामिनर के मूड पे है कि वो जो है इसको कैसे देखता है, पर कोशिश को वो अप्रिशिएट जरूर करेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस आंसर में. इट हैज बीन एक्सप्लोरेटरी आंसर, काश यही आंसर थोड़ा और शांति से, थोड़ा और मन से लिखा जाता और इतने सारे आइडिया आने की जगह थोड़े से कम आते. तो आई थिंक कोशिश ज्यादा कर दी इस क्वेश्चन में, ऐसा हम कह सकते हैं, ज्यादा कोशिश की, अच्छी कोशिश की. कल्चर इज सेट ऑफ आइडियाज कस्टम सोशल बिहेवियर प्रैक्टिस इन एंशियंट टाइम. चलो आगे चलो, इंडियन कल्चर ऑन फॉरेन स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फेस्टिवल अंकोर वाट. ये जीएस स्ट्रक्चर है, ये जीएस का एक अच्छा अप्रोप्रिएट स्मार्ट आंसर दिख रहा है. फॉरेन कल्चर इन्फ्लुएंस इंडिया, गांधारा आर्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसिव इंपैक्ट वाज लेफ्ट विद इंग्लिश एज अ हाई क्लास मीडियम एक्सप्रेशन, नॉट नोइंग इंग्लिश इज स्टिल अ टैबू. वाओ, आई लव इट, दिस द वे यू पुट इट अप, सो इट्स अ गुड आंसर, गुड फॉर स्कोरिंग विद लेस नॉलेज हाउ ए पर्सन कैन गेट मोर स्कोर. दिस क्वेश्चन शोकेसेस वेदर यू नो समथिंग और नॉट, स्टिल यू कैन होप टू गेट मार्क्स, दिस इज वन ऑफ द वेज टू गेट स्कोर. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस जेन जी टुवर्ड्स पॉप कल्चर, राइजिंग मेंटल स्ट्रेस, फॉरेन क्लोथ ब्रांड्स, कंज्यूमरिज्म, मैक्डोनलाइजेशन ऑफ फूड हैबिट्स. तो ये आपने मॉडर्न से जोड़ दिया, अच्छी कल मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से जोड़ दिया, तो यू आर इन द सेफ जोन, अराउंड 5 स्कोर तो आ ही जाएगा. लेकिन अगर थोड़ा सा और मॉडर्न इंडिया या वर्ल्ड का थोड़ा, जैसे पहले क्वेश्चन में एंशियंट से जोड़ा था, तो वो भी दोनों का मिक्सचर होना चाहिए था बेसिकली, वो यहाँ नहीं आया, ये वहां नहीं गया, तो स्कोर तो आ जाएगा लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर नहीं, पर आ सकता है. एक्सेप्टिंग नेशन स्टेट्स कैन क्रिएट मल्टीप्लायर इफेक्ट ग्लोबली एंड इनेबल वर्ल्ड टू फोकस ऑन मोर सीरियस इशूज. अब ये पहली लाइन बहुत ज्यादा फिलोसफिकल और बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कुछ कुछ लिख दिया, पता नहीं क्या बता रहा है. तो भाई ठीक है, बता तो दिया. हाउ इट हेल्प्स अगेंस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इजराइल पैलेस्टीन वॉर. वाओ, आई लाइक द एग्जांपल, एग्जांपल इज वंडरफुल, दिस इज अ गुड एग्जांपल. लॉन्ग पेंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, रिड्यूस वर्टिलिटी, एनर्जी प्राइसेस, टॉप सिविलियन डेथ्स. गुड, आई लाइक द कीवर्ड्स, वेरी गुड, दे आर वेरी वंडरफुल कीवर्ड्स. सम ऑफ द की फीलिंग ऑफ रिलीजियस हेटेड कैन बी रिलीज्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ ए नेशन स्टेट, मे बी सही बात है, बट नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन. पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म बिटवीन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. नाउ दिस इज टू मच, नाउ दिस इज टेकन अ न्यू टर्न एंड ऑल गुड मार्क्स गॉन, सडनली एवरीथिंग गॉन इन टू वैक्यूम. यू कांट से इट वॉज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, इट वॉज बिटवीन फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, यू हैव ब्लेम्ड हिंदू एंड मुस्लिम डायरेक्टली, सो एग्जामिनर गॉन एंड ही इज शॉक्ड, ही इज सरप्राइज्ड. मे बी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कैन बी गिवन, नो इंटरेस्ट इन रीडिंग रेस्ट ऑफ द आंसर बिकॉज आंसर इज फिनिश्ड एज सच, बट फिर मैं पढ़ लेता हूँ. सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स मुस्लिम्स वाज रिफ्लेक्टेड एज अ मेजर कंसर्न बाई मुस्लिम लीग, हाउ एवर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान लेट टू न्यूअर चैलेंजेस. तो बाद में तो आंसर ट्रैक पे आ गया, लेकिन पॉइंट नंबर 3 और 4 ने पूरे आंसर को खराब कर दिया, वो ठीक से पुटअप नहीं हुआ जो होना चाहिए था. सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स तो है मुस्लिम की, लेकिन हिंदू महासभा भी अगर ये बोल रही है कि भाई मुसलमानों को स्पेशल राइट देने की जरूरत क्या है, उन्हें राष्ट्र पर विश्वास रखना चाहिए, तो वो पॉइंट क्यों नहीं आया. तो इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते, नंबर गए तो गए. रिकग्निशन ऑफ स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव क्लाइज थ्रू डिप्लोमेसी डायलॉग. ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज आने लग गई है, इसका मतलब है कि खुद को टाइट करने की, खुद को ज्यादा बैठ के अगर पढ़ाई हो रही है तो खड़े होकर पढ़ने की जरूरत है, और अगर नींद भी आ रही है तब भी पढ़ने की जरूरत है, इससे पता लग रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है. चलो आगे, इंडियन कल्चर बींग इंडिया बींग ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चरल हब दैट मेक वेस्टर्न कल्चर ईजियर टू परकोलेट इन इंडिया. अब ये भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस है कि भाई इंडिया ओल्डेस्ट है और रिचेस्ट कल्चरल हब है, इसीलिए परकोलेट आसानी से हो जाएगा.
बट स्टिल इंडिया एबल टू प्रोटेक्ट इट सैंक्टिटी। ओ माई गॉड, जय भारत जय माता, बस ये रह गया था, इसके बाद और कुछ बचा ही नहीं। सैंक्टिटी की बात भी आ गई, परकोलेशन भी हो गया, तो क्या क्या हो रहा है, मतलब गजब। इंडियन कल्चर बींग एपिटोम ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक बात है, कॉलोनियल रूल से इन्फ्लुएंस हुआ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आए, सही बात है, वेस्टर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, रीजन बिहाइंड इट्स टॉलरेंस स्पिरिट ऑफ इंडियन, चलो बात तो सही है। सो ड्यू टू टॉलरेंस स्पिरिट पेनेट्रेशन नॉट रिमेन लिमिटेड टू कॉलोनियल रूल बट कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड ग्रो, इंडिया बिकेम ओपन टू द वर्ल्ड। अब ये भी, अब इंडिया पहले भी ओपन था, इंडिया तो शुरू से ही, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि बाद में ही ओपन हुआ। तो दिस इनेबल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अब ये साइंस का स्टेट क्वेश्चन यहाँ आकर ज्यादा गड़बड़ हो गई। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है तो फिर आप पोलन भी बता दीजिए, स्टेमन भी ले आइए, पिस्टल भी ले आइए, और मेंडल के लॉ भी ले आइए, तब जाके बात बनेगी। एसिमिलेशन भी कर दिया इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का, इसका मतलब है अगर हमें कुछ वर्ड आते हैं और अगर हमने उनको जबरदस्ती लिख दिया और हमें ढंग से उसकी प्लेसिंग नहीं हुई, तो अपनी डूबना तय समझो। स्मॉल टेरिकॉट ऑफ फिगरीन्स, इंपैक्ट वेस्टर्न कल्चर, स्कल्पचर, रिवोल्यूशन, मेथड, अब ये जो अपने आप में थ्योरी दी गई है ये डाइवर्सिफिकेशन इंडियन आर्ट की, अब ये मतलब ये अब क्या बताया जाए, ये रिजल्ट भी बताया है इसमें, क्रिएटिविटी, स्कल्पचर ऑफ नटराज, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। डाइवर्सिफिकेशन सीन इन आर्किटेक्चर, मेडिसिन, म्यूजिक, चलो आगे चलो, बट सेइंग द ओनली वी इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न, यानी अपने आप से बात हो रही है धीरे धीरे, फिर गिल्टी फीलिंग आई, फिर लगा कि अरे अरे भाई हम ही इन्फ्लुएंस नहीं हुए, हमने इन्फ्लुएंस किया भी है, तो फिर हम उस पर आ गए। टूरिज्म सेक्टर शोकेसेस ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी लव्ड बाय फॉरनर्स, इधर इट इज टेंजिबल, बात तो सही है, इंडियन कल्चर इनहेरिटेड विद इंक्लूसिव नेचर, डायनेमिक रादर देन स्टेटिक, टॉलरेंट, बात बहुत कुछ है, हरे कृष्णा हरे रामा, बहुत अच्छा है, चलिए आगे चलिए, बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। अब एग्जामिनर सोचो ऐसे उसको 10,000 क्वेश्चन पढ़ने, अब ऐसे 10,000 क्वेश्चन जैसे ये सामने है, ऐसे 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये वो आंसर शीट में छेद कर देगा वो, तो सोचो कितना बड़ा उसको टॉलरेंस चाहिए, खुद ही अपने आप में वो भारत की प्रतिमूर्ति है, तुम्हारे आंसर महान है। द प्लूरिस्टिक एंड मल्टी एथनिक मल्टी लिंगुअल कंट्री नीड कोलेबोरेशन कोऑपरेशन ऑफ स्टेट फाइट अगेंस्ट रिलीजन, चलो बात ठीक है, नेशन स्टेट कैन बी हेल्पफुल बट नीड टू फोकस अबाउट डोमिनेंसी बॉर्डर डिस्प्यूट रिवर वाटर, ठीक है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट पे हुए टुवर्ड्स रीजनलिज्म, सही बात है, बीइंग हैविंग आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म सच प्रॉब्लम अराइज एज वी नीड टू एक्ट एज इंक्लूसिव वन हेटरोजेनस रादर देन फोकसिंग ज्यादा, मतलब ठीक है कोशिश, ये आंसर पहले वाले आंसर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन फिर भी ये आंसर भी थोड़ा सा टेक्निकल जैसा हो गया, चलिए आगे। नेशन स्टेट विद देयर डिफाइंड टेरिटरी सेट ऑफ पॉपुलेशन कम विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ, बिल्कुल सही बात है, एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में करेगा, प्रिवेंट एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऑन फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस फैनेटिज्म बाय क्रिएटिंग इक्वालिटी एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इन ईच स्फीयर। अच्छा ये पता नहीं इतना लंबा सेंटेंस और इतना भारी क्या कह गया, एग्जाम्पल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, इंक्लूसिव बता दिया, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, देखो जो आंसर होता है अगर वो पढ़ के आपको क्वेश्चन याद आता है तो समझ लो नंबर आएंगे, अब ये तो आंसर पढ़ के मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था, अब अपने आप ये ऊपर एग्जाम्पल बता दिए, बट यहाँ पे बट आ गया उसके बाद, बट डिस्पाइट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स कंट्रीज पर्टिकुलरली इफ यू टॉक ऑफ इंडिया इज फेयरिंग कॉमनर, इंडिया इज फेसिंग कॉमनर वायलेंस राइट बेस्ड फेस प्रोजेक्शन सेपरेटिज्म रिलीज, क्या रह गया फिर इंडिया में, रह क्या गया, आपने इंडिया में सब कर ही दिया। हिंस टूडे फंडामेंटलिज्म एंड सेपरेटिज्म हैव बिकम पॉइंट पार्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइज एंड नॉन कन्वेंशनल क्राइम, एनजीओस, सिविल सोसाइटी, चलो आगे, ग्रास रूट मैनेजर्स, चलिए, हिंस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विद एक्टिव कोऑपरेशन, चलिए ठीक है, कोशिश की है, एवरेज मार्क्स आ सकते हैं। भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म, जीवन का बौद्ध धर्म का विस्तार, इस्लाम, बर्मा, मलाया, कंबोडिया, चलो आगे चलो, व्यापार के साथ साथ कल्चर का योगदान भी रहा, संस्कृति लिख दे है? वैसे अंग्रेजी लिख के राजी नहीं और वैसे कल्चर लिख रहा है, भारतीय कथाओं रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का बहुत अच्छा, देखो फ्लो अच्छा है, सिंप्लिसिटी है, क्लैरिटी है, चीन, चलो भाई चलो आगे चलो, इस्लाम का भारत में आना, चलो आगे चलो, पश्चिमी एशिया, सिंधु में सिंध में बस्तियां बनाना, आक्रमण जैसे बुद्ध अरब मुगलों को अपनी परंपराओं को भारत में लाना, इस प्रकार भारत भूमि ने विदेशी यात्रियों से लेकर आक्रमणकारियों तक को स्वीकार किया, तो बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या दिया उसकी बात भी हो रही थी, तो आपने शुरू में वो बता दिया, बाद में आपने ये बता दिया, तो जो फ्लो है सिंप्लिसिटी है बहुत अच्छी है, और आई थिंक ऐसे 20 आंसर जब लिखे जाएंगे और अगर इससे थोड़ा सा 5% लेवल और उठाया जाए तो आई थिंक अच्छे आंसर हो सकते हैं, तो इट वॉज अ गुड एफर्ट। अब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्र राज्यों को 21वीं 20वीं की शताब्दी की वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने में धार्मिक सहृदयता और कट्टरवाद
नहीं, धार्मिक सहृदयता है क्या है ये, कि खिलाफ लड़ाई में सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन देखो कितना, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आप लोग कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उसको। राष्ट्र राज्यों की स्वीकारता के हल कुछ देशों संभावना और तलाशी जा सकती है, परंतु सभी राष्ट्रों में भारत सभी राष्ट्रों में मॉडल और इससे शांति संभव नहीं है। चलो ये इन्होंने वो बता दिया जो आप लोगों ने पूरे आंसर में बोला था, जिन्होंने पहले पैराग्राफ में बता दिया। राष्ट्र राज्य लॉ एंड ऑर्डर, वही देखो सबने बोला रेगुलेट करने में, उसकी सही बात है, उसको सिटीजन चुनौतियां और भी हैं, जैसे सजातीय है, एक जैसे कल्चर की जरूरत है, विविधता की स्वीकार्यता कम हो जाती है, स्टेट्स के सेकुलर होने या ना होने की बात भी सही बात है, राष्ट्र राज्य द्वारा विविधता को एकता भी स्वीकार। चलो आगे चलो, कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में, यानी क्वेश्चन देखो पूछ रहा था ये, जो सब लोगों ने अच्छी बात की, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ लेके जाओ, क्वेश्चन को सिंपल रख के बताओ। ठीक है नेशन स्टेट अब सारे नहीं है, तालिबान का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बताओ, जब वो पूछ रहा है क्या पॉसिबल है तो आप पॉसिबिलिटी बताओ, क्योंकि इंडिया भी नेशन स्टेट है और इंडिया को ऐसा करना चाहिए। एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन कल्चर दैट इज इन्फ्लुएंस देम। इंडियन कल्चर इज ट्रूली मिक्स बैग ऑफ ट्रेडिशन कस्टम लैंग्वेजेस इनकैप्सुलेटिंग द डायनेमिज्म एंड रिच हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर, ड्रेस। अब हमने जो बात बताई, जैसे हमने भी लिखा है ऊपर, हमने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट लिखा, हमने होरा शास्त्र लिखा, हमने भी शब्द लिखे, लेकिन हमने उस शब्द को आगे हमने उसको सबसेट का नाम नहीं दिया। अब यहाँ वो भी नाम दे दिया ड्रेस। अब ड्रेस की जगह मैं तो कल्चर, कल्चर में ड्रेस आ गई। खैर अब ड्रेस में कुर्ता पजामा, अनारकली, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन सूट, देखो अब ये तो अनारकली तो लिख दिया ऐसे, अब चले वाले हो ना। लैंग्वेज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अरबिक, अरमाइक एंड ग्रीक, मॉडर्न टाइम में देखो यवन प्रिया, यूज फॉर स्पाइस एंड पेपर, यानी कम नॉलेज में ही काम हो गया। चलो आगे आर्ट, तो ड्रेस, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक हमने भी किया, हिंदुस्तानी म्यूजिक हमने भी लिखा, कथकली। अब कथकली नहीं है, कथकली इज अ, कथकली आई थिंक उत्तर प्रदेश में कथक है और साउथ में कथकली है, और कथकली तो इंडिजिनस क्लासिकल डांस का फॉर्म आता है, यक्षगान हाँ और सर, डिफरेंट हो कथकली। गया सर, यहाँ पे ये एग्जांपल गलत हो गया, कव्वाली यानी बोलता गलत, सही है सर। कव्वाली ठीक है लेकिन कथकली नहीं हो सकता। चलिए आगे, इन्फ्लुएंस ऑफ अमीर खुसरो, यानी बात वही सिंपल की, लेकिन जो पूछा है सिर्फ उतने तरीके से आपको। इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन कल्चर, लैंग्वेज, वेस्टर्न वर्ल्ड शैम्पू कम फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड चंपी, देखो अब लिख दिया कुछ, कुर्ता पजामा साड़ी ये भी ऐसे ही लिख दिया। अब जस्टिन ट्रेडू वियरिंग, अब ये मॉडर्न ले आए यहाँ पे जबकि मॉडर्न बात नहीं कर रहा है। इंग्लिश वर्ड पतलून कमिंग फ्रॉम पैटलून, साइंस एंड टेक, तो यानी कि कुल सेकंड मिला के आंसर एवरेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त किया गया है, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन प्लीज आंसर को गरिमा के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बड़े बड़े शब्दों को मत फेंकिए जिनका आपको खुद ही मतलब नहीं पता, आंसर आपका है, नंबर आपके कटेंगे। अगर आपको नंबर से ही प्यार नहीं है, खुद से ही प्यार नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। अब मॉडर्न नेशन स्टेट 19th सेंचुरी, चलो मॉडर्न ऑर्गेनाइजर वर्ल्ड लीडर है, चलो रिलीजियस ऑफन इमर्जेस विद द लिंक्स टू अ परसीव्ड कम्युनिटी एंड प्री मॉडर्न आइडेंटिटी, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है जो हमारे आंसर्स में कहीं नहीं था, कि जो रिलीजियस फेनेटिसिज्म या फिर फंडामेंटलिज्म है, ये अगर आप इसको प्री नेशन स्टेट से जोड़ोगे, वैसे वैसे ये प्री मॉडर्न आइडेंटिटी हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस डिविजन जरूर थे, लेकिन रिलीजियस फेनेटिसिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कभी भी नहीं था, ना एंशियंट टाइम में था ना मेडिवल टाइम में। सब लोग लड़ते थे, शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कोई एग्जिस्ट भी करते थे, ऐसे कभी कोई नरसंहार नहीं किया गया, तो ये तो बाद में हुआ। आइडेंटिटी बेस्ड रिलीजन और पॉलिटिक कॉलोनियलिज्म से जोड़ना चाहिए, तो वो यहाँ ना इस आंसर में भी नहीं जोड़ा है और पहले के आंसर में मिसिंग है, तो आपको एब्जॉर्ब करके चीज को लेके आना है। सोल्यूशन है तो आपने भी लिखा है, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का एक एलिमेंट होना चाहिए, एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी हमने भी लिखा है, पंचायती राज वाला वो दूसरा एलिमेंट हो गया, एक्सेप्टिंग चेंज रियलिटीज ऑफ हिस्ट्री, जैसे अब मतलब न्यू फॉर्म्स ऑफ ब्रदरहुड गोइंग बियॉन्ड रिलीजन, दैट आई लाइक दिस आइडिया, स्टेटमेंट नंबर 3, जिसके अंदर आप जैसे अब न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में तो सिटीजनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा, आई एग्री विद दैट, यानी ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया इन्होंने प्रमोट किया। जैसे यूएन में आपने मिलिट्री की बात की, इन्होंने सिटीजनशिप की बात की, तो अलग अलग बात है, आप क्या बात करते हैं, लिमिटेशन है बिल्कुल, जैसा हमने भी ऊपर बताया। अब होमोजीनियस आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, फ्रांस में देखो अब बुर्क, अब आप वहाँ बैन की बात एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद जो है मॉडर्न स्टेट्स आर रियलिटी ऑफ टूडेज वर्ल्ड अंडर मस्ट बी एक्सेप्टेड, येट देयर कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप मस्ट बी ब्रॉडन टू ट्रूली चैलेंज द मेनेस ऑफ फंडामेंटलिज्म, यानी कि वही तालिबान वाली बात जैसे आपने किया, आप बात करते हो कि नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से अगर डाइवर्सिटी को हानि होती है तो उसको कैसे देखा जाए, तो वो आंसर देना है। तो ये वाला जो आइडिया है कि कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, बात तो बिल्कुल सही पकड़ी, लेकिन अच्छे एग्जाम्पल और आ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में ही है जो आपके अहमदिया हैं उनको नहीं मानते आप,
या फिर रोहिंग्यास है म्यांमार में उनको नहीं मानते आप, या फिर आप बाकी एक दो कंट्रीज का एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, तो वो ज्यादा एग्जाम्पल दे के आंसर के साथ ज्यादा जस्टिस होता। तो आई थिंक द मॉडल आंसर्स आर ऑल्सो एवरेज, दे आर नॉट रियली ऑसम, एंड वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू पुट आंसर्स, आवर आंसर्स आर डेफिनेटली पुटिंग ऑन ट्रैक। हम मसाला लेकिन ज्यादा भर रहे हैं, वो इंडिया के जो लैंड फिल्स होते हैं वैसे हमारा आंसर बन रहा है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन लैंडफिल के बाद उसकी प्रोसेसिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंडफिल जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा लैंडफिल ढूंढना पड़ेगा। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट दिस लैंडफिल ओनली टू बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। सो आई थिंक गुड एफर्ट्स, वेरी फाइन डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज, गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी ने सैंक्टिटी बाउंड्री की नहीं रखी, मॉडर्न इंडिया ले आए, पोस्ट इंडिपेंडेंट भी ले आए, जो मन में जहां मर्जी ले आए, जबकि क्वेश्चन एक तरीके से हमें एड्रेस करना चाहिए, भले क्वेश्चन परफेक्ट ना हो, क्वेश्चन कभी परफेक्ट नहीं होता, आपके एक्सप्रेशन परफेक्ट होने चाहिए, मतलब आप उसके अंदर ही ऐसी बात को तरीके से बताओ कि बस वन इज एबल टू गेट ए कंप्लीट पिक्चर। सो आई थिंक ये आंसर और जो हमने आंसर्स लिखे उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट यह प्रेजेंटेशन के केस में अगेन द मॉडल आंसर्स टेक अवे मोर मार्क्स देन आवर आंसर्स, नॉट इन ए बिग वे बट इन ए लिटिल बिट, इन लिटिल बिट हाई वे। थैंक यू वेरी मच। वी कैन स्विच ऑफ द, या थैंक यू। तो आंच एल, व्हाट डू यू से, इफ यू कैन बी क्विक प्लीज, प्लेसिंग राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस, आंसर शुड बी रिटर्न टू नो अबाउट क्वेश्चन विथ फ्लो। ओके, पता बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, कोशिश कीजिए। सचिन, व्हाट डू यू से? रेगुलर प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते किस जन्म में, इस जन्म में कि अगले जन्म में कि कोई और बताएगा? आने वाले मिनिमम टाइम से। आने वाले मिनिमम टाइम, आने वाला भी है और मिनिमम भी है। गजब सेंटेंस है भाई, आने वाला मिनिमम टाइम। हाँ जी पार्थ बाबू, अरे भाई मैंने कितनी बार कहा 100 रुपए भेज दे उसको डेटा के, तेरे को बात समझ नहीं आती? अब तो रात को वोडाफोन तो फ्री में डेटा दे रहा है, डेटा की हमारे पास से कोई कमी नहीं होनी सर चाहिए, डेटा बांट। एयरटेल एयरटेल 5G भी फ्री में है सर। एयरटेल 5G भी फ्री में है, बताइए। ओके, व्हाट यू से मानसी? तो मतलब आंसर सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी लिखे जा सकते हैं बट सर सिंपल अंडरस्टैंडिंग से लिखे जा सकते हैं बट उसमें जो आप टर्म्स यूज कर रहे हो वो ऑफेंडिंग नहीं होनी चाहिए सर। वो मैं भी एग्जैक्टली लग रहा था लिखते टाइम बट मेरे को और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं समझ में आ रहा था कि उसको मैं कैसे लिखूं, तो उस पर फोकस करना और सिंपल स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा बहुत वी कैन वर्क अपॉन स्ट्रक्चर ऑल्सो। बट यही है कि अगर नॉलेज नॉलेज होगी तब भी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप करेक्ट आंसर लिख रहे हो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपल वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट। यस थैंक यू। ओके आशिक, कोई से सर लास्ट वाला क्वेश्चन में जो एलिमेंट था आंसर में, सेकंड लास्ट, क्या सबसे लास्ट क्या? वाला आंसर में जो एलिमेंट था वो एलिमेंट रखना चाहिए था, और थोड़ा मैं स्ट्रक्चर पे मैं काम करूंगा, ऐसे मानसिक स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, मैं ऐसा हाँ दिखता हूँ। लास्ट वाला भी मैं नहीं सर, मतलब थोड़ा खुला रहता है वो, अलग बात है एलिमेंट का अलग बात हो सकता है, लेकिन लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर अचार का होता है, वो जो अचार होता है उसके अंदर, या जो उसके अंदर मसाला होता है, बस उसकी बात अलग है। हाँ वो अलग है सर, वो स्ट्रक्चर बात करूँ तो वैसे ही मैं कोशिश करूँगा। ओके, करिए आप कोशिश, एंड आई एम श्योर यू आर ऑन ट्रैक विद द कीननेस एंड क्लैरिटी, कीप ऑन डूइंग इट, देयर इज नो शॉर्टकट एज सच, शॉर्टकट इज द ओनली रेगुलर प्रैक्टिस इज द शॉर्टकट, व्हेन यू लर्न एवरी टाइम, व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट इट, व्हेन यू आर कीन टू राइट, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, तभी आप उसमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।